नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जेजेएन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ वैशाली शर्मा। दिनभर की तमाम खबरों के बाद अब वक्त हो चुका है हल्द्वानी की कुछ खबरों का, तो चलिए बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। हल्द्वानी में एक लड़की नौकरी की तलाश में थी, वहीं उसे एक कंपनी में नौकरी मिल गई, जिसके बाद उसने कंपनी के मालिक का अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। वहीं लड़की की हरकत से परेशान होकर मालिक ने आत्महत्या करने की कोशिश की, जिसके बाद मालिक की पत्नी ने पुलिस को तहरीर दी। बता दें, महिला ने मालिक को ब्लैकमेल कर 6 लाख रुपए भी वसूले हैं, साथ ही अब महिला और उसके साथ ही दोनों को धमकी भी दे रहे हैं। वहीं बता दें, अब पुलिस मामले की जाँच कर रही है। हल्द्वानी में आज वर्कशॉप रोड पर एक नहर के कचरे में एक नवजात शिशु का शव मिला है। शहर में लगातार आज दूसरे दिन नवजात का शव मिला है। बता दें, शव को सबसे पहले ढाबा चलाने वालों ने देखा, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी। वहीं पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाकर जांच शुरू कर दी है। उधम सिंह नगर जिले में पटवारी भर्ती परीक्षा को लेकर जिले की पुलिस और जिला प्रशासन के द्वारा सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। रुद्रपुर स्थित पुलिस ऑफिस में जिले के डीएम युगल किशोर पंत और एसएसपी मंजुनाथ टीसी के द्वारा बैठक करते हुए ड्यूटी में तैनात होने वाले पुलिस कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पटवारी भर्ती परीक्षा को लेकर देखते हुए 47 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम को देखते हुए 2 सुपर जोन, 5 जोन और 19 सेक्टर में बांटा गया है। इसके अलावा जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। उत्तराखंड युवा एकता मंच के पदाधिकारियों ने आज हल्द्वानी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कल लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली पटवारी भर्ती परीक्षा को स्थगित करने के साथ ही पूरे मामले की स्वतंत्र एजेंसी से निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। बता दें, कल पटवारी भर्ती परीक्षा है, लेकिन सभी के एडमिट कार्ड में पूर्व के परीक्षा नियंत्रक एसएल सेमवाल का नाम लिखा हुआ है, जिनको कुछ दिन पहले ही लोक सेवा आयोग ने सस्पेंड कर दिया था। लेकिन कल होने वाली पटवारी भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड में उनके हस्ताक्षर बने हुए हैं। ऐसे में इस भर्ती परीक्षा के पेपर के लीक होने की भी पूरी संभावना है। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज कोटाबाग में बालिका किशोर अवस्था जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें बालिकाओं को किशोर अवस्था में होने वाली विभिन्न समस्याओं से बचाव और उनके समाधानों के विषय में जानकारियां दी गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्य खंड शिक्षा अधिकारी अंशुल बिष्ट और उत्तराखंड महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी दिव्या बोरा उपस्थित रही। प्राउड मोमेंट है हमारे लिए, कोटाबाग क्षेत्र के लिए, स्पेशली जीजीआईसी के लिए। और जैसे कि मैंने बच्चे ने बताया आपको कि ये सीनियर नेशनल अभी रिप्रेजेंट करके आई हैं और एकता बेस के साथ इन्होंने खेला है, तो ये पूरे उत्तराखंड के लिए एक प्राउड मोमेंट है। और मैं कहना चाहूंगी, जैसे मेरी बच्ची 9th स्टैंडर्ड से खेलना शुरू की है और बहुत अच्छा इसके पेरेंट्स ने स्टार्टिंग में सपोर्ट नहीं किया। मैं चाहती हूँ कि इनके कोटाबाग क्षेत्र में इतनी प्रतिभाएं हैं क्रिकेट में और इवेंट्स में, तो यहाँ पेरेंट्स थोड़े अवेयर हो जाएंगे तो बच्चे आगे, क्योंकि इनको एकेडमीज में इनके बॉलिंग में नरिशमेंट की जरूरत है, तो उनको पेरेंट्स से सपोर्ट मिलेगा तो हम लोग भी बहुत अच्छा अपना 100% डाल पाएंगे। स्कूल में आके काफी अच्छा लग रहा है, मेरे स्कूल में मुझे एज अ गेस्ट बुलाया गया है, बच्चे मुझसे मोटिवेट हो रहे हैं। मैं स्पेशली थैंक यू बोलूंगी सीमा मैम को, सीमा कबड्डवाल मैम, जो जिन्होंने मतलब एक बोलते हैं ना कि इमारत बनने के लिए बेस की बहुत जरूरत होती है, तो बहुत अच्छा बेस जो मुझे मिला है वो मैम की वजह से, मैम के सपोर्ट से मैं अभी खेल रही हूँ। अभी मैं सीनियर वुमेन्स वनडे ट्रॉफी खेल के आई हूँ, जस्ट उसमें हमारी जो कैप्टन थी वो अभी उत्तराखंड से ही जो इंडिया रिप्रेजेंट कर रही है, एकता बिष थी, तो वो हमारी कैप्टन थी और हमारी टीम सेमीफाइनल्स तक पहुंची, वहां पे रेलवेज के साथ हमारा मैच था। ब्लॉक स्तरीय किशोरावस्था बालिकाओं के लिए प्रोग्राम है, जो किशोरावस्था में जो समस्याएं आती हैं या कुछ जो लीगल एडवाइस उनको होती है या लीगल चीज़ों के बारे में जानकारियां उनको देनी होती हैं, उसके संदर्भ में डाइट के सहयोग से एक प्रोग्राम यहां पे हो रहा है जीजीआईसी कोटाबाग। हल्द्वानी की मुख्य खबरों में बस इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। धन्यवाद।